होलिका दहन के दिन वाला है, सॉरी रात वाला है, क्योंकि होलिका दहन हमेशा रात में होता है। तो हमें उसके डेकोरेशन को येलो, ग्रीन एंड रेड कलर से कलर करेंगे। देन आफ्टर हमें क्रैकर्स को, जो कि फूट चुका है, उसमें कलर फिल करना है। फर्स्ट क्रैकर को रेड, ग्रीन एंड येलो कलर करेंगे। सेकंड क्रैकर को हमें सेंटर में रेड, देन नेक्स्ट वाले सर्कल में येलो एंड सबसे फर्स्ट सर्कल में हमें ब्लू कलर फिल करना है, सॉरी स्काई कलर फिल करना है। कभी कभी मैं भी कलर्स के नाम भूल जाती हूँ। After that, हमें बॉल में रखे सारे कलर्स को कलर डालना है। आप सबको कौन सा कलर पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने मनपसंद कलर्स कलर कर देना। मैंने तो यहाँ रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पिंक कलर रखा है, स्काई भी कलर रखा है मैंने। क्या आप सबको पता होलिका दहन क्यों मनाई जाती है? होलिका दहन इसलिए मनाई जाती है, एक स्टोरी है उसके पीछे भी। वो स्टोरी है, एक लड़का रहता है, प्रहलाद नाम रहता है उस लड़के का, एंड उसकी एक बुआ रहती है जिसके पास एक मैजिकल शॉल होता है। अगर वो ओढ़ ले तो उसे आग नहीं जला पाएगी। तो वो प्रहलाद से बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है, उसके पापा भी गुस्सा रहते हैं, क्योंकि वो वर्शिप करते हैं विष्णु जी की, जो कि उन लोगों को पसंद नहीं आती है। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं प्रहलाद को मारने का, आग में जलाने का। तो उसकी बुआ उसको गोद में लेकर प्रहलाद को आग में बैठ जाती है और खुद वो शॉल ओढ़ लेती है ताकि वो ना जल पाए। लेकिन मैजिक होता है और वो शॉल प्रहलाद ओढ़ लेता है, देन उसकी बुआ जल जाती है एंड प्रहलाद बच जाता है। तो ये स्टोरी का मेन मोटिव ये है कि हमेशा बुराई अच्छाई से हार जाता है, इसलिए होलिका दहन मनाई जाती है। एंड देन हमें होलिका दहन के फायर मतलब आग को कलर करना है। ऑरेंज एंड येलो कलर को मिक्स करके हमें फायर को कलर करना है। हमें स्लोली स्लोली ध्यान से कलर फिल कर देना है। आफ्टर फायर हमें वुड को कलर करना है लाइट ब्राउन कलर से एंड डार्क ब्राउन कलर से। देन आफ्टर हमें पिचकारी को कलर करना है। हमें फर्स्ट पिचकारी को ग्रीन कलर से कलर करना है एंड पिचकारी के कलर को हमने लाइट पिंक कलर से कलर करना है। स्लोली स्लोली एंड ध्यान से कलर करेंगे ताकि कलर करना कहीं पे छूट ना जाए। देन हम
सेकंड पिचकारी को भी कलर कर लेंगे। फर्स्टली हमें बकेट को कलर करना है। कलर वाली बकेट को, तो बकेट को हम स्काई कलर से कलर करेंगे एंड उसके हैंडल को येलो कलर से। बकेट के अंदर के कलर भी हमने ले लेने हैं। आप अपने मन पसंद कलर भी इसमें कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको चाहिए हो। देन सेकंड पिचकारी को भी हमें कलर कर लेना है। उसके सेकंड पिचकारी में से जो कलर आ रही है उसे हमने ऑरेंज कलर से कलर करना है। After that, हमें पिचकारी को कलर करना है स्काई कलर से। Then हम हैप्पी होली को कलर करेंगे। अलग अलग कलर से हमें हैप्पी होली को कलर करना है। हमें H लेटर को ऑरेंज कलर से करना है, A को ग्रीन कलर से, Y को स्काई ब्लू कलर से, सॉरी पी को ब्लू कलर से एंड सेकंड पी को येलो कलर से, वाई को स्काई कलर से एंड सेकंड एच को हमें, मतलब होली वाले एच को हमें ब्लू कलर देना है। ओ को हमने ऑरेंज कलर देना है। L को हम रेड कलर से करेंगे एंड लास्टली I को हमको लाइट पर्पल कलर से करना है। देन हमें थर्ड क्रैकर को ऑरेंज स्काई कलर से कर देना है। फोर्थ को हमें स्काई कलर से करना है। ओह नो, मैंने तो कलर एक छोड़ ही दिया पिचकारी वाले कलर को, तो मैं